इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, खबर ओवैसी को लेकर है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। ओवैसी ने द केरल स्टोरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने द केरल स्टोरी पर चल रहे विवादों के बीच रैली के दौरान भरी जनसभा के बीच बड़ा बयान दिया था। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ओवैसी का पलटवार सुन लीजिए। हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, कर्नाटका का चुनाव ज़रूर है, मगर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को जान से इनकी जान ले लिए। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, गांव जल रहे हैं, चर्चिस को जला दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में जो झूठ पर मुबन्नी है उसका प्रमोशन कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव में कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं और आकर उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिक्चर में कहा गया केरल के 32,000 औरतें आइसिस ज्वाइन की, उस पिक्चर में लिखा गया प्रमोशन में। बाद में कोई कोर्ट को गए तो उसने कह दिया कि नहीं सर, खाली 3 नंबर है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुल कर कहो फैक्ट पर बनाई गई। अगर तुम फिक्शन पर बना रहे तो बोलो फिक्शन पर बना रहे, तुम्हारा मसला हमारे बुरखे को दिखाकर, किसी को मुसलमान दिखाकर तुमको अपना पेट भरना है, तुमको अगर पैसे कमाना है तो फिर याद रखो लोग उसको मुस्तरद कर देंगे। हम प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाह रहे हैं कि जब राजनाथ सिंह भारत के होम मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि भारत के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का आइसिस और अलकायदा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो दूर है उससे। क्या खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कई बैन अलावामी फोरम पर, और आज इसको जोड़ रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सख्त सजा दो। उनके तकरीर में कहा अपने भाषण में कि आप इन लोगों को सजा दीजिए। क्या सजा देना चाहिए, कौन सी सजा देना चाहिए? और अगर देश के प्रधानमंत्री एक पिक्चर की स्टोरी को सही मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री, ये तो आपकी नाकामी है, आपकी सरकार की नाकामी है। क्या आप अपनी नाकामी को कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू हैव बीन अनसक्सेसफुल? मगर एक चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम को इतना नीचे आना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए कि झूठ और प्रोपेगेंडे को सामने रखना जो नफरत फैलाने का काम करती है। हम आज यहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनको रोको आप, सरकार आपकी है, 370 आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच करके हटाया, आप क्यों आकर वो लोग मार रहे हमारे सिपाहियों को? ये 10-12 दिन में एक तो सिपाहियों की गाड़ी जा रही थी उस पर रॉकेट लॉन्चर से उनको शहीद कर दिया, और फिर कल आज 5 हमारे सिपाही मारे गए। क्या हो रहा हमारे देश में प्रधानमंत्री? और बीजेपी आरएसएस के लोगों से पूछता हूं जो हर थोड़ी देर को नेशनलिज्म नेशनलिज्म बोलते, अरे तुम्हारा नेशनलिज्म अब क्यों खामोश हो चुका है? कहां गया तुम्हारा नेशनलिज्म, बताओ, बोलो तुम्हारा नेशनलिज्म कहां है? हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं पाकिस्तान से आकर, और बीजेपी के आरएसएस के लोग उस पर बात नहीं करते। हमारे देश में मणिपुर में चर्चों को जला दिया जा रहा है, सिविल वार हो रही है मणिपुर में। क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मणिपुर में की। आपने ट्राइबल्स के जो राइट्स थे किसी और को देने की आप कोशिश कर रहे हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा टाइम निकालेंगे, इन चीज़ों पर भी देखेंगे, इन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और रोकेंगे। और हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में अमन और शांति पैदा हो जाए और वहाँ के शेड्यूल ट्राइब के लोगों के स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये MIM पार्टी डिमांड करती है। आप किसी को ST में शामिल नहीं कर सकते ऐसा ही करके, इसीलिए मणिपुर में सब तमाशे हो रहे हैं। अब आपको PM मोदी ने क्या कहा था जिस पर ओवैसी भड़क गए, वो सुनवाते हैं, सुनिए। ऐसी ही आतंकी साजिश पर, आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। VK News, राष्ट्र के नाम।